सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर पंचायत में एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना की बाबत पीड़िता के परिजन राजू कुमार दास ने बताया कि मेरी साली जो कि नाबालिग है वो पिछले एक साल से हम लोगों के साथ रह रही थी, लेकिन पिछले 5 माह से तिलकपुर गांव का रहने वाला पंचानंद दास का पुत्र प्रिंस कुमार मेरी साली के साथ जबरन गलत काम कर रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों को कहा कि जिसको जो करना है करो और जिसको जहां जाना है जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि ज्यादा प्रचार प्रसार करोगी तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। घटना के बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने सुल्तानगंज थाना पहुंचे, लेकिन थाने में उसे निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने बताया कि हम सभी परिवार पिछले 5 दिनों से थाना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, उल्टे हम लोगों को डांट डपट कर थाने से भगा दिया। जोर से बोलो, क्या हुआ है? छेड़खानी किया था। कौन किया था? प्रिंस कुमार। कब से छेड़खानी करता है? हम लोग थाना आए, क्या मामला है? मामला यही है कि इसका जो है कि अन्याय के लिए जो है कि हम यहाँ पे आए थे थाना कि हम फैसला कुछ कर देंगे। हम तो पहले समाज में सोचे फैसला हो जाएंगे, फिर भी समाज का जो है कि वो लोग बात नहीं मान रहे हैं। क्या हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है? ये मेरी साली है। तो आपके पास ही रहती थी? जी जी, हाँ, यहीं पे अभी मतलब एक साल से यहीं रह रही है। हाँ, तो कौन लोग इसके साथ में? मेरे बगल में चचेरा भाई रहता है। हाँ। जो कि इसके साथ जो है कि अकेला देख के जो है ना छेड़छाड़ किया। हाँ। हम लोग जो है कि रंगे हाथों जब पकड़े, गलत काम किया है इसके जी, साथ गलत काम किया। हाँ। उसके बाद जब हम लोग रंगे हाथों पकड़े इसको, तो फिर बोला कि ठीक है हम शादी करा देंगे एक दो दिन में। फिर जब दिन हुआ 2-3 दिन के बाद बोलते है कि हम जो है कि शादी नहीं करेंगे, जो करना है तुमको कर लो, जहाँ जाना है जाओ। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के पंचायत चुनाव के मतगणना का कार्य कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह के 7 बजे से शुरू हो गया। मतगणना कार्य बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पीजी लैब 1 में किया जा रहा है। मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो इसके लिए भागलपुर जिला पदाधिकारी और भागलपुर SSP नितासा गुड़िया अलग अलग समय पर निरीक्षण करने पहुंचे। इसी क्रम में DM सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मतगणना कार्य शांतिपूर्ण किया जा रहा है, समय समय पर इसकी घोषणा भी की जा रही है। जगदीशपुर प्रखंड के सभी 14 पंचायतों की मुखिया प्रत्याशियों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। नव निर्वाचित 14 मुखिया में से 10 नए चेहरे को जनता ने मौका दिया है, जबकि 4 पंचायत में मतदाताओं ने अपने पुराने मुखिया पर भरोसा जताया है। नव निर्वाचित मुखिया में बलुआचक से मुकेश मंडल, बैजानी से नवल सिंह, इमामपुर से इसद बानो, जमनी से चांद आलम, सहजंगी से बीबी तरन्नुम, सनहौली से मोहम्मद मरगुम, खिरीबान से अजय राय, पुरैनी उत्तरी से बिल्किस परवीन और पुरैनी दक्षिणी से मोहम्मद शहबाज, पुरानी टोला सोनोचक से शोभा देवी, भवानीपुर देसरी से अनिरुद्ध महतो, चांदपुर से अर्चना देवी, जगदीशपुर से लालमती देवी और सैनो पंचायत से भैरव यादव मुखिया पद के लिए विजयी घोषित किए गए हैं। पहली बार मुखिया पद पर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने जहां पंचायत के सर्वांगीण विकास किए जाने पर बल दिया, तो वहीं दोबारा चुनकर आए मुखिया ने पंचायत में विकास कार्य को तेज करने की बात कही है। आगे क्या करेंगे? आगे सोच रहेगा हम बढ़िया विकास कर सकें, जनता के लिए हम लोग विकास करेंगे, जो आवश्यकता होगा पूरा करेंगे। साथ मिला जनता का बहुत सपोर्ट मिला है, उसी के कारण जीते हैं। जो करना है वो करेंगे, जो नहीं किया वो ऐसा काम करेंगे। हम जीता गया जी, ये मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे जनता की, सनोली पंचायत की हर जनता की जीत। बढ़िया से जनता सपोर्ट किया, जो खिरीवन पंचायत से 1000 वोट से जीते हैं। यहाँ जनता का जीत है, यहाँ खिरीवन पंचायत के जितना भी जनता है सबका जीत हुआ है। जनता को मतलब मौका देंगे कि एक बार मतलब काम हो जाए पूरे पंचायत में। सड़क नल जल योजना काम तो जितना मतलब योजना का लाभ जहां तक होगा प्रयास अथक प्रयास रहेगा मेरा। जनता को जब जनता हमको जीत दिलाया है मतलब तो काम तो होगा ही ना। ज़्यादा खुश है इसलिए जनता का अपार समर्थन मिला। मैं पहले भी कह चुका हूं
जगदीशपुर पंचायत को मुखिया नहीं सेवक चाहिए, उन्होंने अपना सेवक चुन लिया। मैं पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लक्ष्मी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी यानी मुखिया जीत गया हूँ, लगभग 700 कुछ वोट से हमने जीता। कितना वोट है? हमको आया 1856 या ऐसे कुछ आया। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर जगदीशपुर प्रखंड के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र पर सुबह से ही प्रत्याशियों के समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। प्रखंड के 14 पंचायत के 6 पदों के लिए हो रहे मतगणना के परिणाम को लेकर समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा था। मतगणना स्थल के बाहर लोग अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। मतगणना स्थल के बाहर उमड़ रही भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस कर्मियों की पसीने छूट रहे थे। वहीं अपने प्रत्याशियों की हार के बाद मायूस समर्थक वापस घर लौटते दिखे। भागलपुर जिले में पांचवें चरण का नामांकन जोर शोर से जारी है। पांचवें चरण में जिले के नारायणपुर व बिहपुर प्रखंड में चुनाव होने हैं। इसको लेकर 30 सितंबर से चल रहे नामांकन का कार्य 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस बीच गांधी जयंती और रविवार को लेकर 2 और 3 अक्टूबर को नामांकन बंद रहेगा। उसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी कर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। इसके बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बीच जाकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। नारायणपुर व बिहपुर प्रखंड में 24 अक्टूबर को मतदान व 26 अक्टूबर को मतगणना होने वाली है। नारायणपुर ब्लॉक में 30 सितंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार मुखिया के लिए अब तक 97 एनआर, सरपंच पद के लिए 54, पंचायत समिति सदस्य के लिए 91, वार्ड सदस्य के लिए 466 व पंच के लिए 228 एनआर कट चुके हैं। कुल मिलाकर 966 एनआर अब तक कट चुके हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने कहा कि 6 अक्टूबर तक नामांकन कार्य चलेगा। इस बीच और भी एनआर कटने की संभावना है। बीडीओ ने कहा कि मतदान के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहेगी। सभी मतदाता निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान करेंगे। नारायणपुर प्रखंड के 67 भवनों में 139 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। बूथों पर वैक्सीनेशन व मेडिकल टीम की भी व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल संवेदनशील जो हमारा बूथ है वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और तमाम जगहों पर ये व्यवस्था रहेंगी। बिल्कुल निडर होकर के हमारे मतदान केंद्र पर मतदाता आएंगे, मतदान करेंगे और हमारा प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी है कि हम स्वच्छ निष्पक्ष और भय मुक्त निर्वाचन करवाएंगे, मतदान करवाएंगे। हाँ, उसके लिए चूंकि हमारे यहाँ 67 बिल्डिंग में 139 मतदान केंद्र हैं तो 67 भवनों में हमारे द्वारा वो व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पर हमारा मेडिकल टीम रहेगा, वैक्सीनेशन रहेगा और जो भी वैसे हमारे मतदाता जो अब तक वैक्सीनेशन नहीं ले पाए हैं उनके लिए वहाँ पर व्यवस्था रहेगी, चाहे वो प्रथम डोज हो या सेकेंड डोज हो, दोनों के लिए हमारे तरफ से व्यवस्था रहेंगी, लोग लेंगे। बिहपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का पर्चा भरने के लिए दूसरे दिन शुक्रवार को जनसैलाब उमड़ गया। बीडीओ सह आरओ सतीश कुमार ने बताया कि दूसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न पंचायतों के अलग अलग पदों के लिए 122 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा, जिसमें धर्मपुरत्ती पंचायत से मुखिया पद के लिए पिंकी देवी, अंजू देवी, सीमा देवी ने, बिहपुर मध्य पंचायत से रविन्द्र यादव, लतीपुर उत्तर पंचायत से वर्तमान मुखिया अनिता देवी, बभनगामा पंचायत से श्रवण कुमार गुप्ता, मड़वा पश्चिम पंचायत से मिली राय सुकृति देवी ने, मड़वा पूलब से वंदना देवी, लतीपुर दक्षिण पंचायत से पूर्व मुखिया संजीव कुमार उर्फ लल्लू कुंवर ने मुखिया पद के लिए नामांकन किया। झंडापुर पूलब से सरपंच पद के लिए युवा सत्यप्रकाश सिंह ने भी नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इधर बीडीओ सह आरओ सतीश कुमार ने बताया कि नामांकन का पर्चा भरने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। नामांकन की तिथि बढ़ने को लेकर कोई आधिकारिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। बीडीओ ने कहा कि सभी के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता व कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। नामांकन को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह अन्य पुलिस पदाधिकारी व बलों के साथ पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। हम गरीब के लिए काम करेंगे, शिक्षा एकदम हाई स्कूल बनवाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे, जो भी हो सकेगा सब मदद करेंगे गरीब। क्या लगता है जनता का मिलेगा आशीर्वाद आपको? पूरा विश्वास है हमको। और जीत का कारण है कि हम सरपंच पद पे रह के
समाज में न्याय की स्थापना की है। अपने पंचायत में सब लोगों का हम लगातार सम्मान करते हैं और गरीबों को उचित हक और उचित न्याय के लिए गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या क्या मुद्दा लेकर आए हैं जनता? विकास पहला, भ्रष्टाचारी के ऊपर इंसाफ होना चाहिए, ये सब मुद्दा है। वैसे भी हम लोग 15 साल से राजनीति में ही रहे हैं। इस पद के लिए नॉमिनेशन दिया? ग्राम कचहरी सरपंच पद के लिए झंडापुर पूरा पंचायत से हमने नॉमिनेशन दिया है। हमारे पंचायत का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। आशा करते हैं जब हम विजयी होंगे तो पंचायत के लिए बेहतरीन काम करेंगे। सरपंच का पद का क्या दायित्व होता है? अधिकांश लोग ऐसे बने हैं सरपंच, जिनको सरपंच पद का दायित्व क्या है उन्हें पता ही नहीं होता। नॉमिनेशन दिए फिर से एक बार मुखिया पद के लिए, जीतेंगे। क्या लग रहा है? पूरा जनता का मेरे पक्ष में झुका है, उसमें कोई कोई किंतु परंतु नहीं। कौन सा ऐसा काम है जो इस बार लग रहा है आपको कि करना है? सबसे पहले तो हॉस्पिटल का देखेंगे और एम्बुलेंस भी देंगे अब की बार अपने पंचायत में। गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से एक युवक गंगा नदी में डूब गया। मोतीचक गांव के रहने वाले प्रकाश मंडल के 18 वर्षीय पुत्र चुन्ना कुमार मवेशी का चारा लेने दिया गया था। स्नान करने के दौरान पांव फिसल जाने के कारण वो गहरे पानी में चला गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। सूचना पर SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबकी खोजबीन की जा रही है। हालांकि खबर लिखे जाने तक सबको नदी से नहीं निकाला जा सका था। अपने एक दिवसीय दौरे पर पीरपैंती पहुंचे भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने शेरमारी बाजार हॉस्पिटल मोड़ के निकट डॉक्टर नीरज कुमार राज के क्लिनिक का उद्घाटन फीता काट व नारियल फोड़ कर किया। मौके पर पूर्व विधायक अमन कुमार, विवेक गुप्ता, मुन्ना सिंह, अनिल पांडे, मिठू पांडे, सचिन पांडे सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।